हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही की गुइयां या अरबी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली हैं अरबी यानी कि गुइयां। ये गुइयां मैंने बॉईल करके ले ली हैं। मैंने इनको बॉईल कर लिया है 3 सीटी लगाकर। और अब हम इनको पहले छील कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी गुइयां को छील लिया है, साथ में मैंने एक हरी मिर्च को भी कट करके ले लिया है। अब हमें इन गुइयां को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। या तो हम इनको राउंड शेप में कट करेंगे या तो हम इन्हें स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें राउंड शेप में कट करूंगी, तो चलिए कट कर लेते हैं। सारी गुइयां को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें मसाले की तैयारी करनी है। मसाले के लिए यहाँ हमने एक बाउल ली है, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून हमें सब्जी मसाला, ये शाही सब्जी मसाला है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये हम ले लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो लेंगे। जब तक ये भीगता है तब तक हम यहाँ पर गैस पे एक भगोने को चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक भगोने को चढ़ा लिया है गैस पर। हम सब्जी को भगोने में बनाएंगे क्योंकि हमारी जो गुइयां ऑलरेडी वो बॉइल्ड है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। हमने जो हरी मिर्च को कट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको चलाते, साथ में हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, इसको भी डाल देंगे और हल्का सा पका लेंगे। जीरा जैसे ही पक जाएगा फिर हमने जो यहाँ पर मसाला भिगो कर रखा था इसको हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मसाला यहाँ पर भून चुका है। अब हम इसमें जो गुइयां हमने कट करके रखी थी उनको हम डाल देंगे। इस तरीके से हम सारी गुइयां इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। गुइयां हमारी अच्छे से मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर सब्जी को हमने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर हम एक ग्लास में ये हमने दही ले लिया है और इस दही को हमने अच्छे से विस्कर से चला लिया है ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। हमने इसको चला लिया है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पर दही की गुइयां बना रहे हैं और हम इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छे से फिर से मिला लेंगे। अगर पानी कम लगता है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। पर हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा पानी हम और डाल सकते हैं। पर और पानी डाल दिया है। अब हम इसको बॉइल होने देते हैं। एक प्लेट से हम इसको ढक देंगे और बॉइल होने देंगे। यहाँ पर हमारी बॉईल होने लगी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। ये हमने इसमें नमक डाल दिया है। बॉईल होने के बाद नमक डालने से ये रहता है कि जो हमारा दही है वो फटता नहीं है। अगर हम पहले इसमें नमक डाल देते हैं तो दही हमारा फट जाता है। अब हम इसमें कटी हुई
हरी धनिया डाल देंगे। पका देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे 5 मिनट के लिए पकाया था। भुइयां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने बाउल में निकाल लिया है और इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। हमने हरा धनिया डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारी दही की भुइयां बनकर तैयार हुई है। आप इसको बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।